बड़ी मुश्किल से बहुत रास्ता मैंने थोड़ा पीछे वाला रास्ता दिखाना एक मिनट गाइस, ये आप रास्ता देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से हमें हट्स दिखी हैं जो यहाँ रहते हैं। ये पंजाब का लास्ट आप लगा लीजिए गांव नहीं है, ये पंजाब का लास्ट, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे लास्ट गांव है, एरिया है, जहाँ एक दलेर मियाँ बीबी एक फैमिली रहती है जो पूरे मतलब कस्बे से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कुछ भी नहीं है, कच्चा रास्ता है। एक दलेर मियाँ बीबी का जोड़ा बच्चों के साथ रहता है। आई थिंक अकबर जी खड़े हैं मेरे पास, अकबर जी हमें अकबर जी मिल गए हैं जो यहाँ यहाँ के ऑनर हैं, जिनका घर है। वो मिले गए हो जब 3 दिन हो गए लापते हुए। आपको ढूंढते ढूंढते जी, आपको ढूंढते ढूंढते हम आपका घर ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला। तो आप फैमिली रहते हो जी यहाँ? हाँ साहब, शुरू से इत्थे रहंदे आ। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये हैं अकबर जी जिनका ये घर है, ये जंगल में रहते हैं और आई थिंक 10 किलोमीटर कोई गाँव नहीं है नजदीक। किन्ने पिंड किन्ने गुरु जी साहब? इत्थे दे 7-8 जनौड़ी आ, तां जंगल दा ये रास्ता है इत्थों, पुरानी छड़ा नहीं सर उसका रास्ता इत्थे ते कोट पटरान को जाना होवे तां थोड़ा 7-8 किलो सब्जी उसका कोट आ उत्थे। थोड़ा उठी बोल दो, थोड़ा इनको समझा कर। समान ले आगे जनौड़ी दे आटा उटा जनौड़ी दे सत्ते सर ले आईदा। ओके जी, ठीक है जी। हां जी, तो ये बोल रहे हैं कि यहां से कम 10 किलोमीटर एक जनौड़ी कस्बा है या गांव है, तो ये बोल रहे हैं कि ये वहां तक अगर कोई जाना है कुछ भी करना है तो वहां जाते हैं। तो अकबर जी कहाँ है आपका घर? आइए गाइस, साहब ये है अकबर जी का घर आ गया है। ये देखिए ये दलेर जोड़ा, देखिए ये हम अकबर जी के घर आ गए हैं। ये इनके, अच्छा ये आपके पशु हैं जी, गाय है रखी आपने? ये बफेलोस जो है वो रखी हैं। ये अकबर जी का घर है, ये पहुंच गए हम। ठीक है जी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अंदर है जगह। सत श्री अकाल जी, ये थोड़े मिसेज। हाँ जी, तो ये इनके मिसेज हैं जी। तो देखिए कितनी अंदर हम लोग आए हैं। ये वो मैन है जिसने शेर से, एक लेपर्ड से लड़ाई की थी, इन पे लेपर्ड ने अटैक किया था, जिसको हम हिंदी में तेंदुआ बोलता है। आगे आप इधर आइए गाइस, जैसे आपने देखा कि अकबर भाई के पास पहुंच गए हैं इनके घर। ये आपको घर दिखाया है, घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, इनके काफी खस्ता हालत है, भाई ने बोला है। तो बैठते हैं भाई, बैठिए सर, बैठे। तो आप कब से रह रहे हैं मतलब यहाँ अकबर भाई? साहब जी इत्थे बुजुर्गों ने तो सुनिया भी सातवीं पीढ़ी आ गई है। सातवीं पीढ़ी जी? हाँ जी, सातवीं पीढ़ी मतलब सातवीं का मींस इनका मतलब सातवीं पीढ़ी जी। हाँ जी, मतलब आपको इसका मतलब 200 साल 250 साल हो गए हैं। हाँ जी, सब इतने चिर हो गया है। बुजुर्गों ने सुनिया भी अपने बाप तो भी वो भी सर फोता हो गए। अच्छा जी, छे उनको कितना टाइम हो गया मतलब डेथ हुई को आपके पिता जी? बाबू नु हो गए को 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए जी। हाँ जी सर, 3 हो गए भाई होता हो गए है सर। 3 भाई? हाँ जी, सके भाई आपके? हाँ, सके साहब भाई आपके 3 खत्म हो गए। सके भाई उनकी कब डेथ हुई, कितना टाइम हो गया जिनको? सब एक नु को 7 साल हो गए जी, एक नु को 6 हो गए या एक नु 20 हो गए। तो हाँ जी दोस्तों, देखो मतलब कितने दलेर लोग हैं। तो ये आपका जो रास्ता इतना खतरनाक है, तो आप इससे आते जाते हो जी? हाँ, सारी बिच आन जान दी होगा बड़ी औखी है इत्थे, को पुराने को बुजुर्ग दियां जड़ियां को जगह सगियां। अच्छा जी, खत्म हो चुके है। अच्छा जी, हाँ जी सर, को जगह इदां दी अंतरी है भी ना एक को बंदे नु मतलब रात को हाँ जी मतलब जैसे हम बात कहते हैं कोई आत्मा शात्मा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा अरे कोई जगह बहुत करड़ी जगह है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों इनका मतलब कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि जो पुराने बुजुर्ग थे जो सदियां पहले रहते थे, तो जिनकी यहाँ मतलब कब्रें हैं कईयों की, या मतलब कोई फौत हो गई है, डेथ हो गई है, तो उनकी आज भी मतलब वो आवाजें सुनाई देती हैं रात को। ये बोलते हैं कि
उनका डर रहता है, मतलब कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। सर किसी को जाना हो रात में जान बंदा या आप भी आने का दिल्ली का करता है सवाल, लाइट ना हो तो सर बहुत औखा होंगे। बहुत औखा होते। हाँ जी, तो फिर आप कितने जानवर के सर जी बहुत है? जानवर है जी। हाँ जी हाँ जी। जानवर कौन कौन से हैं? जैसे आपने कितने सब तेंदुआ होंगे कहते बाघ शेर आ सर जिदा देखा है तो बैठे अगे। आप कहां जा रहे थे? आप उस टाइम मतलब राशन लेने जा रहे थे जी, जब तेंदुए ने अटैक किया था, क्या हुआ था उस टाइम? सर ने तो जंगल जा रहा है मजा। अच्छा, आपके पशु थे जो? हाँ जी, वो सब लैंड में जा रहा है जी। उधर भी जानवर बोलन उस साइड में तो बोलन पहाड़ी सर से जी। तो जिदे मैं देखा नहीं बगे वो तेनुआ जा को जानवर बैठा सर जी। चानकी जिले में उते वो गया उन्होंने। हाँ जी। सर उठते दोनों हाथ लैके इतने आ गया जी। अच्छा, ऐसे खड़ा हो गया? हाँ जी सर, खड़ा हो गया। जिदा ही वो गल वो हाथ लैके आया। हाँ जी सर, मेरे को डर सगा हाथ डांट था। हाँ जी सर, वो तो मारना सका। तो दोस्तों एक मिनट आपको डांट दिखाता हूँ, डांट किसको बोलते हैं जी। तो दोस्तों ये मतलब ये डांट होता है, ये लोग जो मतलब पहाड़ियों में रहते हैं इनको इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये बोल रहे हैं क्योंकि जानवर है ही बहुत ज्यादा, बाकी आपको खुद बता रहे हैं। तो सर सेफ्टी है। हाँ जी, सेफ्टी लिए अपनी को जान से बचा वास्ते सर जी पकड़ी जाए है। तो आप कौन कौन आपके परिवार में मतलब बच्चे हैं जी? दो बच्चे हैं मेरे। दो बच्चे हैं जी आपके? एक लड़का एक लड़की है। तो फिर वो स्कूल वगैरह जाते होंगे जी? हाँ, बहुत दूर है। स्कूल कितना पड़ जाता है यहाँ से? 7 किलोमीटर है सर स्कूल जी। 7 किलोमीटर जी? हाँ जी। एक तरफ का? हाँ जी एक तरफ। तो दोस्तों देखो कितनी मुश्किल है बच्चों को, 7 किलोमीटर दूर बच्चे डेली मतलब साथ जाते हैं जी पढ़ने? हाँ जी 7 किलोमीटर आते हैं। साथ आते हैं। कितना टाइम लग जाता है आने जाने में जी? सर जी को 1.5 घंटा लग जाता है जान जान को जी। 1.5 घंटा? 1.5-2 घंटे? हाँ जी, दो भी लग जाते हैं आने को, बच्चे है ना। तो देखो बच्चे छोटे 1.5-2 किलोमीटर 1.5-2 घंटा जाने का, 1.5-2 घंटा आने का, 6-7 किलोमीटर स्कूल है। देखो बच्चों ने अपनी पढ़ाई नहीं खत्म की, तो आपका दिल नहीं करा कि ये एरिया छोड़ दे, इतने जंगल में बैठे हैं कैसे मतलब जाने का अपनी कोई जगह नहीं ली? हाँ जी, मेरे दादे होगा परदादे जी बाबरी कोई जड़ खरीदे। हाँ जी सर, जानता दिल नहीं होगा करता था जी जी। लेकिन आपको मतलब चीजों से मुश्किल होती है जो शहर से लेके आनी? हाँ जी, बहुत दूर पड़ जाता है। बहुत दूर पड़ जाता है? हाँ जी 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 जी। आटा पियाना है बहुत दूर है, राशन लेना है बहुत दूर है। अच्छा जी, यहाँ से इतनी दूर जाकर आटा पियाना पड़ता है। आपको मतलब कितना जाना पड़ता है जी आटा? आटा जैसे लेने जाना है कितने किलोमीटर पड़ जाता है? सब 8 किलोमीटर जनौड़ी है। हाँ जी, मतलब 9 से 10 किलोमीटर पर मान के चले जी। तो देखो कितनी मुश्किल है, 8 से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो पहले ये आप आटा घोड़ा था कैसे था? हाँ जी सर, घोड़ी सी पहले। हाँ जी, वो सब भेज देती जी जी जी। हूँ फिर साड़ी अम्मा भी भाई हो गए, 2-3 होकर गुजर चुके हैं जी। बाप भी 4 बच्चे हैं। हाँ जी, इन्हां दी भरजाई 4 बच्चे सर, 3 लड़कियां खत्म हो गई जी। भरजाई भी? हाँ जी, इसकी भरजाई भी खत्म हो गई, भाई भी खत्म हो गया। मतलब कुछ मौत? हाँ जी, कुछ चीज मतलब ऐसे कैसे बीमार हो गए थे? हाँ जी हाँ जी, जकदमी भरजाई दी। अच्छा, तो यही भराई ना जान चक्की सर हो गई थी। फ्रेंड्स देखो ये बता रहे हैं कि इतने फैमिली मेंबर, इतनी बड़ी इनकी फैमिली थी, ये सारा एरिया ये बोल रहे हैं कई मतलब कितने किले थे जी अपने? काफी जगह थी, बहुत जगह थी अपनी। हाँ सब 40-50 किले को जंगल थे अपने थे बड़े बाप थे। हाँ जी, 40 से 50 किलो के ये मालिक थे इतनी जगह के, लेकिन ये जगह का कोई ज्यादा मोल नहीं था। तो अभी 70-80 हजार 60 हजार। अच्छा जी। हाँ, अभी जंगल का रेट हुआ रेट था। हाँ जी, तो अभी ब्रिगेडियर साहब ने जगह ले लिया जी। हाँ जी, हम सर ले गए जो हमारे आर्मी के कर्नल रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर हैं, तो ये जगह ब्रिगेडियर सर ने ली है। वो काफी इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं मतलब वो करते हैं, जो जेन्युइन हेल्प कर सकते हैं वो कभी कभी आते हैं, वो तो आते नहीं यहाँ। लेकिन जैसे दोस्तों देख रहे हो ना, तो घर सारे फिर खराब है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम खराब है, 4-5 साल हो गए। हाँ जी, ओकी है जी, ओकी चीज है सर। हाँ जी, चौकड़ी पाई है देखो
हाँ जी सर खराब हो गया। हाँ जी हाँ कच्चा हो गया है। जी अंदर देखो आगे खराब हो गया सर। हर वेले ना वो गली दे बच्चे सो नहीं सकते सर। सर जी दोस्तों देखो कितनी मुश्किल में है। ये देखिए पहाड़ी भी आ गई है यहाँ। हाँ जी ये घर मतलब सेफ नहीं है ये बोल रहे हैं कि इस कारण ये लोग यहाँ नहीं रह रहे बोल रहे हैं। हाँ ये सेफ नहीं है ये कभी गिर सकता है बोल रहे हैं। फट गई है सब देखो शिंडे सोई दिया। हाँ जी हाँ जी हो गई है थोड़ी टेढ़ी हो गई है। हाँ जी सर बिंगी हो गई है तुरंत देख ले। जी 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 हाँ जी देखो दोस्तों। हाँ जी तो बड़ी प्रॉब्लम है मतलब मैं आप सब लोगों से देखो इतनी दूर में जंगल में ब्लॉग बनाने आया हूँ। मैंने सुना था इतने दलेर मियां बीवी इतना मतलब दलेर कपल है ये और इतनी मेहनत करते हैं। सर जी बहन जी हमारे वो बोल रहे हैं कि वो भी डेली कई बार काम करने जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा जो जो मेरा वीडियो देख रहा है बंदा मैं इनका नंबर दूंगा इनका अकाउंट नंबर दूंगा तो जो जितनी मर्जी चाहे तो इनकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों की क्योंकि आपको भी दिखा रहा हूँ। सर जी नेरी तो बारिश होती है तो फिर खतरे में जान आ जाती है। अभी हाँ की होना है की सर होना है। आपको मुश्किल होती होगी। हाँ जी ये सर औखा है। तो आइए अच्छा आपकी माता ऊपर नीचे रहते थे। हाँ जी तो देखो इनके जो मदर इन लॉ थे इनकी सास थी माता जी वो उधर रहते थे। ये इनकी किसी ने देखो कितनी साफ है गाइस आजकल इतनी प्यारी नेचर में ये नेचर मिलेगी ये देखिए कितनी साफ है। हाँ जी आजकल ये चीजें देखने को नहीं मिलती है बिल्कुल भी। ये देखिए इधर से ये इनकी हालत हो गई है घर की सब फट चुका सारा है ये देखिए खराब हो चुका है। आप आके खा दीजिए बहुत हालत खराब हो गई है वो देखिए ऊपर से। अगर मेरी वीडियो से कोई मुझे देख रहा है जो जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं अगर कोई भी हेल्प हो तो हमारा फर्ज है कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। जो इतने जंगल में बैठे हैं इतना कुछ मतलब अकेले संभाल कर ये बहुत अच्छी बात है नेचुरल। ये इनका रूम है जी अकबर भाई के घर के ऊपर खड़े हैं जो ऊपर वाला पासा है। ये किचन आ गई है इनकी तो ये किचन आ गई है और ये देखिए कितना गहरा जंगल है पीछे। अकबर भाई ने हमें खुद बोला है मतलब देखिए आप मानते हो ये तो कितने सदियां पुराने इनके पूर्वज यहाँ रहे हैं ये बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे क्या है जी वहाँ वाजे मतलब क्या हुआ सर जी थे ना होगा जगह भी कई होगा सणिया नु सुनिया ते बकरियां बकरियां रखियां सी बुजुर्गों ने। हाँ जी ते कहंदे भी बुजुर्ग नु सुनिया भी कोई जगह इदां दी कोई करड़ी है वो भी सर खत्म हो गए पांच छे भाई सके तीन सर जी साडे ते भरा भी खत्म हो चुके हैं मतलब पता ही लगा। हाँ जी कैसे खत्म हुए। सर जी को समझ नहीं आई भी कैसे दोस्तों देखो ये खुद गवाह हैं ये वो फैमिली के मेंबर हैं सके रियल इनके भाई और फैमिली ये बोल रहे हैं कि समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सर जी भी जदों दा मकान ये पाया साडे बाप ने सर जी को सुख नहीं होगा मिलिया जी। हाँ जी जबका ये वाला जो घर है ना हाँ जी थोड़ा इधर दिखा रहे ये वाला जो घर है ना जी ये जो घर है तो सर जी जिस दे होगा जोर दे होगा बरखा बरखा होंदी है उस वेले बड़ा खतरे का कम होंदा है जी तां फिर। हां जी आप अंदर का बता रहे हैं कि साहब वो क्या मतलब किसने देखी है जी वो साहब जी। हां जी तो बुजुर्गों दे थे को बकरियां बकरियां को चारन वाले वो जेडे अगे को बुजुर्ग सगे वो को दसदे होंदे सगे भी इदां दे विच कोई जगह कोई छाए इदां दे इत्थे जगह। हां जी जो अंदरली जगह है मतलब ये भी जंगली है जी। हाँ जी ये भी टोटल जंगल है। अगर कोई पशु चराने जो लोग ये कहते हैं कई गए हैं तो उन्होंने कोई साए देखे हैं हमें मैंने नहीं देखे मैं नहीं बोल रहा अकबर भाई बोलते हैं कि कई बार कुछ पैरानॉर्मल जिसको बोलते हैं वो आवाजें सुनाई दी हैं जिसको हम हॉन्टेड बोल देते हैं कि ये एक तरह का जो जंगल है ना गाइज ये हॉन्टेड है। ये सिर्फ इस एरिया में रहते हैं रात को ये यहाँ से बाहर नहीं जाते ये बोलते हैं एक तो जानवर का बहुत ज्यादा खतरा है दूसरा जो इनके लोग थे जो इनको लोकल जानते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का काफी मतलब हाई है रेट। तो जानवर तो बहुत होंगे जी। हाँ जी सर जानवर तो बहुत है जी इतने बाघ बड़े हैं सर जी इतने ठीक है जी। हाँ जी
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋ ਡਾਟ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟ ਜੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਇਤਨੇ ਬਰੇਵ ਲੋਕ, ਇਤਨੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮੇ ਇਨਕੀ ਹੈਲਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਮੈਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਵਲੌਗ ਕੇ ਐਂਡ ਮੇ ਇਨਕਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੂੰਗਾ, ਵੋ ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸੇ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਦੋਸਤ ਚਾਹੇ ਇਨਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏ। ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਬ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਗ ਚੱਕ ਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਗਾਏ ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਤ ਕੋ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਗ ਕੈਸੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਕੋ ਯਹਾਂ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰ ਡਰਾਈਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਖ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਚ ਮਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤੇ, ਦੁੱਧ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ, ਜੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਸਰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ 7-8 ਕਿਲੋ ਹੋਗਾ ਮੀਲ, ਹੋਗਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਸਭ ਡਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਕੋ 7 ਜਾਨਵਰ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸਟੇਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਘੁਲਦੇ ਇਹ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੜੇ ਆਪਸ ਲੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਘੁਲਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਜੀ ਆਵਾ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਭ ਜੀ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਕੀ ਕਿਤਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਯਹਾਂ ਛੋੜ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਯਹਾਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕਾਮ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਰਹਤੀ ਹੂੰ। ਜੀ 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 ਆਪਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੀ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। देखिए तो इन्होंने बताया कि जंगल में जो बाघ है, ये लेपर्ड्स हैं, ये लड़ते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, फसल को खराब करते हैं, तो अब खेती नहीं करते आप लोगों? सर होने 4-5 साल तो नहीं। चलिए गाइस, ये इनका थोड़ा है एरिया दिखाते हैं आपको और ब्लॉक का फिर करते हैं डीएन। तो यहाँ भी सोता है जी कोई? हाँ इधर सोते हैं। ठीक है जी, देखिए तो यहाँ भी ये सोते हैं, ये कहते हैं मतलब रखवाली के लिए यहाँ पे सोते हैं। हाँ जी, देखो कितनी प्यारी, आपको ऐसे इन्वायरमेंट, अब ऐसे किचन्स ये नहीं देखने को मिलेगी। ये दिन की किचन है, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितनी साफ। सर अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो सर, देखिए कितनी साफ बनाई है। और वो सामने देखो कितनी प्यारी, वो लकड़ की आज सर नहीं मिलती, हो जाओगे देखो जाके, कितनी प्यारी मतलब ये देखिए गाइस, वो कितनी प्यारी लकड़ की एक अलमारी सी है, ये घड़े हैं। हाँ जी, कितना सफाई मतलब देखिए कितनी सफाई रखी है, इतनी शहर में नहीं कोई रख सकता जो इन्होंने रखी है। तो हम तो दिल से सलूट करते हैं इनको कि ये लोग रह रही हैं। ये इनके थोड़े बहुत पशु वगैरह आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों ये इनके खेत है, उधर भी खेत है। बहुत जानवर हो गए, 4-5 साल तो लग गए, जानवर इतने थे। टाइम निकाला आपने, हम बोल रहे हो जब आपके परदादे दादे लोग रहते थे तब जानवर नहीं थे। सर उस वेले इतने है नहीं सके, ਕੋਈ ਸਿਗਾ ਸੋਚੋ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਆਈ ਅਕਬਰ ਜੀ ਆਈ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
सर जी हुण को फसल बी सकदे जे बीजी दी है जानवर नहीं छड़दे हो खांदे रानु आ गए भन देंदे हां जी तो ये बोल रहे हैं कि अगर फसल को बीजते हैं ना जब ये फसल को बीजते हैं तो हाँ जानवर खराब कर देते हैं कर देते हैं ये फिर आपने जानवर इनके लिए हाँ जी भैंसों के लिए हाँ जी मजा बनने बाचे को बनाया अंदर जी 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 तो रात को अंदर कर देते हो आप हाँ जी सर रात को अंदर बन जाएगी हाँ जी सर सब मिल जाइए हम जी देखो वो बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ अपनी पॉकेट से अपनी जेब से लाना पड़ता है हाँ जी वो कहते हैं मैं भी कई बार काम पे जाती हूँ इतनी दूर 10 किलोमीटर पैदल जाके फिर आगे काम पे जाते हैं नरेगा या कोई भी स्कीम हाँ जी सर नरेगा हाँ जी तो जंगलात का सरकारी काम हो गया अच्छा जंगलात वालों का फिर आप काम करते हो मैंने सुबह बना के स्कूल भेज के अपन खाना बना के फिर काम से जाना शाम आके पशु चौने दिखने गोहा चकना फिर आके घर का करना काम भी करना पैंता है नहीं बहुत मेहनत करते हो आप अच्छा फिर जंगलात वाले आपको काम दे देते हैं दे देते हैं हाँ जी तो देखो दोस्तों कितने मेहनती लोग हैं ये बोल रहे हैं कि घर का काम करना है फिर बच्चों को भी स्कूल भेजना है फिर अपना सारा करके फिर दिहाड़ी में लेबर भी करनी है और फिर वापस आना है तो ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं तो इतना ही कहूँगा ये बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में हो आपने कभी मिलना हो तो मैंने लोकेशन बता दी है मैं दोबारा से बता भी दूंगा बस मैं इतना ही कहूँगा घर का इनकी काफ़ी प्रॉब्लम है इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है अगर कोई बहन भाई जो भी मेरा वीडियो देखना जो भी देख रहा होगा तो वो इनकी हेल्प की कोशिश कीजिए इनका मैं अकाउंट नंबर दूंगा तो आप वो अकाउंट नंबर पे पैसा जमा कर सकते हैं जो सीधा इनकी फैमिली में इनकी बेटी या बेटे के नाम से होगा मैं अभी वो आपको पेपर पर मैंशन कर तो गाइज ये हैं वो दलेर कपल मियाँ बीबी आज बच्चे नहीं हैं घर पर वो नीचे गाँव में जो रिलेटिव जान के 10 किलोमीटर दूर वहाँ गए हुए हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा स्वीट्स भी लाए थे हम लोग बच्चे नहीं मिले ये वो दलेर मियाँ बीबी हैं ये वो दलेर कपल है जो बोल्डली इस जंगल में इतनी अंदर जहाँ शायद जानवर को भी डर लगे तो हम जितने भी कहते हैं हम शहरी लोग हैं हम रात को यहाँ नहीं रह सकते कोई भी क्योंकि दिन में ही ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं रात को तो रहना बहुत मुश्किल है तो गाइज ये मैं इनका अकाउंट नंबर दे रहा हूँ प्लीज़ ये आप देखिए ये इनका अकाउंट नंबर है इनकी बेटी का कर लो तो वो इनको मदद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऐसे दलेर लोग और ऐसा लोग कम देखने को मिलते हैं जो इतने दूर जंगल में ये रियल जंगल है गाइस कोई हमारा जो फिल्मों वाला है वो नहीं है ये कुछ भी एरिया दिस इज द रियल टेरेन यहाँ इम्पॉसिबल है टू व्हील गाड़ी नहीं आ सकती जस्ट बाइक आ सकता है और जो हमारी गाड़ी भी है 4-व्हील ड्राइव वो भी हमने काफ़ी पीछे लगाई है तो व्लॉग का करते हैं एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए।